Papa. तो सबसे पहले मैंने यहाँ दो क्लिप्स ली हैं और उसी के बीच में हमने एक ट्रांजिशनल इफेक्ट लगाना है। तो पहली क्लिप जो है वो 5 सेकंड की है और दूसरी क्लिप भी हमारी 5 सेकंड की है। तो हमने दोनों क्लिप्स के बीच में जाना है और फिर यहाँ से पीछे जाना है और फिर यहाँ से 11 फ्रेम पीछे जाना है। अपने कीबोर्ड से लेफ़्ट एरो को दबाकर आप 11 फ्रेम पीछे आएंगे। और जो सेकंड क्लिप है उसको वो आपने फर्स्ट क्लिप के एकदम ऊपर रखना है जहाँ पर आपका हेड रहा है 11 फ्रेम पीछे। उसमें फर्स्ट क्लिप को क्लिक सेलेक्ट करना है और उस पर डबल क्लिक करना है। और ऐसे मोशन में जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फ़ोटो स्पिन। आप फोटो स्पिन 3 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, पर मैं यहाँ ले रहा हूँ फोटो स्पिन 3 और उस पर डबल क्लिक कर देंगे। इस तरह अपने जाना है सेकेंड क्लिप पर और सेकेंड क्लिप पर भी आपने सेम मोशन इफेक्ट लगाना है फोटो स्पिन 3, उसे ओके कर देंगे। तो अब ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसका आपने इसे एक्सपोर्ट कर लेना है और 60 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर और फिर वापस इसे आपने इंपोर्ट करना है टाइमलाइन के ऊपर। तो स्पिन 2 से हम इसको दोबारा से इंपोर्ट करेंगे। तो हमें जहाँ पर पहला एनिमेशन यानी स्पिन इन आ रहा है, यानी हमारे यहाँ पहला स्पिन हुआ था, यहाँ तक ले जाएंगे और एक कट लगाएंगे और आखिर में जहाँ स्पिन आउट हो रहा है वो एनिमेशन को भी हम कटआउट कर देंगे। तो अब जैसे एंड में हमारा स्पिन यहाँ से आउट हो रहा है तो वहाँ भी एक कट लगाएंगे और इन दोनों पार्ट्स को हम डिलीट कर देंगे। यानी स्पिन इन एनिमेशन और स्पिन आउट एनिमेशन जो इफेक्ट था वो हमने डिलीट कर दिया यहाँ से। अब हमारे पास कुछ इस तरह से इफेक्ट बच गया। ये दोनों वीडियो में सिर्फ एक बार ही स्पिन हो रहा है, तो यानी अब फर्स्ट स्पिन और लास्ट स्पिन को डिलीट करना अपने वीडियो से। अब यहाँ से हम जाएंगे जहाँ हमारा स्पिन होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ हमने स्पिन होना स्टार्ट किया है तो सिंपली यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ हम जाएंगे क्रॉप में और फिर जाएंगे पैन एंड जूम में और ये जो एंड वाला पार्ट स्क्वायर है इसको हम एकदम छोटा कर देंगे। या अपने बिल्कुल जितना हो सके उतना छोटा अपने करना है और इसे ओके कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का होएगा। तो यहाँ पर एक कट लगाएंगे हम बीच में जाकर और वापस से क्रोम एंड जूम में जाएंगे, पैन एंड जूम में जाएंगे और इसे रिवर्स कर देंगे और ओके। और यहाँ से हम फ्रेम्स को रेंडर कर लेंगे और अभी आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ ट्रांजिशन के अंदर और यहाँ से अपने चूज़ करना है फ्लैश इफेक्ट, फ्लैश ट्रांजिशन और इसे दोनों के बीच में लगा देना है और इसके ड्यूरेशन को अपने लगभग रखना है 2 सेकंड। तो आपको जो बीच में जो फेड इफेक्ट आ रहा है ब्लैक कलर का वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आप ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं। स्पिन करने के बाद मान लो अपना जो इफेक्ट है यहाँ ख़त्म होता है और उसके बाद के पास अगर आपको कोई गेम प्ले बचता है, यानी सेम सीन के साथ का कोई गेम प्ले बच रहा है तो वहाँ पर उसने ऐड कर देना है ताकि इफेक्ट जो आपको लंबा दिखेगा। लाइक पहले हमारा इफेक्ट जो है यहाँ ख़त्म हो रहा था कि यहाँ से स्पिन हुआ और फिर यहाँ पर ख़त्म, लेकिन अगर इसके बाद का सीन आपके पास पड़ा है तो वो भी आप यहाँ ऐड कर दें ताकि जो इफेक्ट है थोड़ा रियल दिखे। तो इस तरह आप 360 डिग्री स्पिन ट्रांजिशन आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं।